पाकिस्तान की तारीख में वो अजीम शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पायदार अमन को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया, उन अजीम शख्सियत में एक नाम फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान का भी है, जिनका दौरे हुकूमत सुनहरी अदवार में शुमार होता है। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान की तकरीबन 10 साल और 5 माह की दौरे हुकूमत में जितनी मुआशी और सरती तरक्की पाकिस्तान ने की थी, आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान मुल्क से बेपनाह मोहब्बत के अमीर माने जाते थे। आपकी सादगी, जुर्रत, बहादुरी और दलेरी में आप अपनी मिसाल आप थे। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तानी कौम आपको अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं और आपको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान 24 मई 1907 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरिपुर हजारा के करीब नवाही गांव रेहाना में पैदा हुए। आप अपने वालिद मोहतरम मीर दाद खान की दूसरी बीवी के सबसे बड़े साहिबजादे थे। इब्तदाई तालीम आपने सराय सालिहा और काहिल गांव में हासिल की, जो कि आपके गांव से 5 किलोमीटर के फासले पर था। 1922 में आला तालीम हासिल करने के लिए आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसी दौरान आपको ब्रिटिश आर्मी में शमूलियत की ऑफर हुई। आपने तालीम अधूरा छोड़कर ब्रिटिश आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और दूसरी जंग अजीम में बतौर कप्तान हिस्सा लिया। दूसरी जंग अजीम के बाद मेजर के ओहदे पर तरक्की देकर आपको बर्मा के मकाम पर तैनात कर दिया गया। जब पाकिस्तान मुआरसी वजूद में आया तो आपने पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त आप पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स में 10वें नंबर पर थे और सबसे कम उम्र और ज़्यादा रैंक हासिल करने का एजाज़ भी पाक आर्मी में आपके पास था। 1948 में आप मशरक पाकिस्तान में पाक फ़ौज के सरबरा भी रहे। 1949 में मशरक पाकिस्तान से वापसी के बाद आपको डिप्टी कमांड एंड चीफ बना दिया गया। आप मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत में सिविल हुकूमत के वज़ीर दिफा भी रहे। उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनाब सिकंदर मिर्ज़ा ने हालात की संगीनी को देखते हुए 7 अक्टूबर 1958 में जब माशरला लगाया तो आपको चीफ माशरला एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा था कि किसी फौजी ऑफिसर को सियासत में लाया गया। बाद में पाक फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान बाज़ उमूर पर इख्तलाफात पैदा हो गए और रफ्ता रफ्ता हालात इस स्टेज पर पहुंच गए कि सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत का खात्मा करना पड़ा। आपने सिकंदर मिर्ज़ा को माजूल करके खुद सदारत की कुर्सी संभाली। जब आपने मुल्क की बागडोर संभाली तो उस वक्त की गैर मुस्तहकम जमहूरियत और सियासतदानों से मायूस पाकिस्तानी अवाम ने आपको पुरजोश तरीके से खुश आमदेद कहा। आपने 1961 में पाकिस्तान का पहला आईन बनाया, जो कि सदारती तर्ज का आईन था और ये आईन मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में अंजाम पाया था। 1962 में जब मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ तो सियासी मुखालिफीन ने आपके मद्दे मुकाबिल मादरी मिल्लत मोहतरमा फातमा जना को मैदान में उतारा। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जना की बेपनाह मकबूलियत के बावजूद मोहतरमा फातमा जना इलेक्शन में आपसे हार गई। सियासी मुखालिफीन ने आपकी जीत का सुनकर वक्त ज़ाया किए बगैर इलेक्शन को मशकूक करार दिया। आपने मुल्क की मौजूदा हालात और सियासी मुखालिफीन के मंसूबों पर गहरा नज़र रखा हुआ था। आप बखूबी जानते थे कि मोहतरमा फातमा जनाब बहुत अच्छी हैं, आप इनके मुखालिफ नहीं थे और ना ही आप उनकी अजमत से इनकारी थे, लेकिन उस वक्त मोहतरमा फातमा जनाब की शख्सियत को बाज़ सियासी अफराद ने हाईजेक करके मोहतरमा के कंधे पर बंदूक रखकर अपने मकासद में कामयाब होना चाहते थे। आप असल में मोहतरमा फातमा जना के नहीं, उस बंदूक के पसीपुश्त मखसूस सियासी अफराद के मुखालिफ थे। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान की नेकनीयती का अंदाज़ा मुखालिफिन को तब हुआ जब आपने अपनी ही दौरे हुकूमत में पहली बार अपोजिशन लीडर का ओहदा बनाया और मोहतरमा फातमा जना को पहली और आज़ाद अपोजिशन लीडर बनने की दावत दी। और इसी तरह मोहतरमा फातमा जना पहली और आज़ाद अपोजिशन लीडर के तौर पर पाकिस्तान के ऐवान में मुंतखब हुई। अगर आप चाहते तो किसी अपने ही को अपोजिशन लीडर बना लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
आप हमेशा ख्वातीन को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। 1961 में मुस्लिम खानदानी कानून आर्डिनेंस का इतलाक आप ही के दौर हुकूमत में हुआ, जिसमें ख्वातीन को ख़ास तौर पर शादी और तलाक के मामलात पर बाएख्तियार बना दिया गया। इस कानून के इतलाक से कबल शादी और तलाक की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती थी, और इसी तरह उन तलाक याफ्ता ख्वातीन के लिए जो दोबारा शादी का इरादा रखती थी, उनके लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता था। इस कानून के इतलाक से ही ख्वातीन को दोबारा शादी करने के मामले पर बाएख्तियार बना दिया गया। फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान अक्टूबर 1958 से लेकर मार्च 1969 तक मुल्क के सरबरा रहे। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम आप ही के दौरे हुकूमत में पाया तकमील तक पहुँचे। आपके दौरे हुकूमत में कराची में 1962 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तेल साफ करने का कारखाना लगाया गया। सोई नादरन गैस कंपनी 1963 में आपके दौरे हुकूमत में शुरू की गई, जिसकी वजह से सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सनअती तरक्की में तेज़ी आई। कीमियाई खाद और मसनूई धागा नायलोन बनाने के कारखाने मुल्क में सुई गैस की दस्तियाबी की वजह से प्राइवेट सेक्टर में आप ही के दौरे हुकूमत में बनाए गए। ये आप ही की दौरे हुकूमत का कारनामा है कि 1963 में वतन अजीज़ पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान रखा गया। पाकिस्तान में टेलीविज़न की अजरा 1964 में आप ही की दौरे हुकूमत में हुआ। मंगला डैम की तामीर आपके दौरे हुकूमत में पाए तकमील तक पहुंची। तुरबेला डैम, जो कि दुनिया के बड़े डैमों में शुमार होता है, की तामीर 1968 में शुरू हुई। अब तक ये मुल्क का सबसे बड़ा बिजली पैदा करने वाला डैम माना जाता है, और इसी तरह वर्सक डैम भी आप ही के दौरे हुकूमत में बनाया गया था। आपके दौरे हुकूमत में मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछा दिया गया था। रेलवे का निज़ाम भी तरक्की में था, PIA उरूज पर थी। तालीमी निज़ाम भी अच्छा था, TV और टेलीफोन का निज़ाम बेहतरी की तरफ गामजन था। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान की दौरे हुकूमत में ज़रिए असलाहत की तरफ भरपूर तवज्जो दी गई थी। बेशतर दरियाओं पर बड़े बड़े पुल तामीर कराए गए थे। शोबे ज़राअत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो नहरी निज़ाम पर दी गई थी। नहरों की लंबाई जो कि 5073 किलोमीटर तक बनती थी, आप ही के दौरे हुकूमत में मुकम्मल की गई, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क बन गया था। वाज़ेह रहे कि उस वक्त के बनाए गए नहरें और बैराज आज भी पाकिस्तान के कुल GDP में 23% हिस्सा डालती हैं। इसी तरह सियासी और समाजी तामीर नो के हवाले से आपकी दौरे हुकूमत बुनियादी अहमियत रखता है। आप ही के दौरे हुकूमत में आम लोगों को महदूद ज़मीनें रखने की इजाज़त दी गई थी, ताकि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, उन काश्तकारों के दरमियान ज़मीन और वसाइल की मसावी तकसीम को मुमकिन बनाया जा सके। आपके दौरे हुकूमत में जहाज़ों के ज़रिए फसलों पर स्प्रे किया जाता था। महकमे प्लान प्रोटेक्शन के ज़रिए बंजर ज़मीनों से सेम और थोर ख़त्म करने और उन बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए हवाई जहाज़ से कीकर के बीज गिराए जाते थे, क्योंकि कीकर के दरख्त में ये खासियत है कि ये ज़मीन से सेम और तौर ख़त्म करने में मदद देता है। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान की दौरी हुकूमत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। आवाम आपकी हुकूमत से मुतमइन नज़र आ रहे थे। महंगाई ना होने की बराबर थी। रोज़गार के मौके वाफर मकदार में थे। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक में शामिल था। आपकी दूरी हुकूमत में पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्क को 120 मिलियन रुपए का कर्ज दिया था। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान की निकनीयती का अंदाज़ा और हुस्न सलूक का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उस वक्त के सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा को माजूल किया गया और वो लंदन जा रहे थे, तो उनकी बेगम ने आपसे सिकंदर मिर्ज़ा और नाहिद मिर्ज़ा को रुख्सत करने के लिए एयरपोर्ट जाने की इजाज़त मांगी। आपने ना सिर्फ इजाज़त दी, बल्कि ये पेशकश भी की कि अगर आप उनके साथ लंदन जाना चाहती हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। आपने सिकंदर मिर्ज़ा को माजूल तो किया, लेकिन इसके साथ साथ उनके दो पेंशन्स, एक मुलाजिमत की और दूसरी सदारत की देना शुरू कर दी। जब आप सदारत के ओहदे पर फायज़ हुए, तो आपने सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना के किसी भी वज़ीर को अपने ओहदे से बरतरफ नहीं किया। पुरानी काबीना नए सदर के साथ काम करती रही,
और इसी तरह साबिक सदर सिकंदर मिर्जा के मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी अपने ओहदों पर बरकरार रहे और यहाँ तक कि ईवान सदर का बावर्ची तक अपनी नौकरी पर बरकरार रहा। आपकी सादगी और कबूल वतनी की एक मिसाल ये भी हमारे सामने है कि जब आप मुल्क के सदर बने और सदारती महल में रहने लगे तो आपने नया फर्नीचर और ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया लेने की बजाय पुराने पर इत्तेफाक किया। आप साबिक सदर सिकंदर मिर्ज़ा के बेड पर ही सोया करते थे। सिकंदर मिर्ज़ा का कद छोटा था और आपका कद लंबा था, लेकिन आपने सिकंदर मिर्ज़ा के बेड पर ही सोने को तरजीह दी। अगर आप चाहते तो नया बेड भी ला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुल्क के सदर होने के बावजूद आप सादा ज़िंदगी बसर करते थे, सादा खाना खाते थे, रात के अवकात में खुद ईवान सदर की बत्तियां बुझाया करते थे। जब जनरल के ओहदे पर फायज थे तो साइकिल पर ड्यूटी के लिए अपने ऑफिस जाते थे, और जब सदारत की कुर्सी संभाली तो रेलगाड़ी की सफ़र को हमेशा तरजीह देते रहे। जब तक सदारत के ओहदे पर फायज रहे, नई कार की जगह पुरानी कार इस्तेमाल करते थे और अक्सर औकात मरी रोड पर खुद ड्राइविंग करते थे। रास्ते में अगर कोई उम्र रसीदा शख्स नज़र आता तो इसे स्टाफ कार में बिठा देते थे। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान ने हमेशा मुल्क व कौम का पैसा अमानत समझा, इसे कभी अपने इस्तेमाल में नहीं लाया। आपने दोनों साहिबजादों गौहर अयूब खान और अख्तर अयूब खान की शादियां इकट्ठी की ताकि खर्चा ज़्यादा ना हो। इसी तरह आपकी दौरी हुकूमत में जब कभी आपके साहिबजादे अपनी अहलिया के साथ ईवान सदर आते तो आप अपने बहू और बेटे को तो ईवान सदर में खाना खिलाते, लेकिन जब खाने का बिल आता तो बेटे और बहू को डिनर का बिल अदा करने का कहते, और इसी तरह अपने खाने पीने का बिल भी खुद अपने जेब से अदा करते थे। फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान का दौर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दौर माना जाता है। आपने जब इक्तदार संभाला तो डॉलर 4 रुपये का था, और तकरीबन 10 साल और 5 माह बाद जब आपने इक्तदार को खैरबाद कहा तो तब भी डॉलर 4 रुपये का ही था। आपके दौरे हुकूमत में एक चीनी वफ्द पाकिस्तान आया तो हबीब बैंक की इमारत देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उसका डिज़ाइन लिया ताकि इस तरह की इमारत चाइना में बनाए। आपके दौरे हुकूमत में कराची का मुकाबला लंदन और न्यूयॉर्क से किया जाता था। सनअती तरक्की की शरह पाकिस्तानी तारीख का रिकॉर्ड यानी 9% थी, और आज के दौर में ये शरह चीन का है। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 3% थी, जो पाकिस्तानी तारीख में सबसे कम तरीन सतह है। मुल्क की बागदौड़ संभालते वक्त कौमी बजट की GDP 2.5 थी, और आपकी इक्तदार में आने के बाद ये 10% तक पहुंच गई थी। ये आप ही का दौर था जब पाकिस्तान का पहला सरप्लस बजट पेश किया गया, और उस वक्त जनूबी कोरिया ने तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए पाकिस्तान से 5 साल मनसूबा लेकर उस पर अमल किया, और आप ही के दौरे हुकूमत में मुल्क में बैंकों की तादाद में 5 गुना और अकाउंट होल्डर की तादाद में 10 गुना इजाफा हुआ था, और स्टॉक एक्सचेंज ने 1.7 अरब से लेकर 5.2 अरब की चलांग लगाई। उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 81 से 282 हो गई थी। पाकिस्तान ने पहली बार ऑटोमोबाइल, आयल रिफाइनरी और सीमेंट की इंडस्ट्री में कदम रखा। पूरे मुल्क में गैस के मीटर नहीं होते थे और नहायत मामूली सा बिल आता था। पाकिस्तान के कौमी इदारे अपनी तरक्की के मेराज पर थे। PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में किया जाता था, और उसमें अमेरिकन सुदूर तक सफ़र किया करते थे। PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसके पास उस वक्त जेट तैयारे थे। आपने न सिर्फ मगरबी पाकिस्तान बल्कि मशरक़ी पाकिस्तान को भी तरक्की की राह पर गामजन किया था। मशरक़ी पाकिस्तान में जब आप इक्तदार में आए तो कुल सरमायाकारी GDP सिर्फ 6% पर थी। आपकी दूरी हुकूमत में ये 6 से बढ़कर 12.4% तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान की तारीख में फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान वो वाहिद सदर पाकिस्तान थे कि जब आप अमेरिका के दौरे पर गए तो अमेरिकी सदर अपनी तमाम काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और अमरीकी आवाम की बहुत बड़ी तादाद आपके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। 1965 में इंडिया ने जब पाकिस्तान पर सुबह सादिक के करीब अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया तो पाकिस्तान के बहादुर फौजी जवानों ने अपने से कई गुना ज़्यादा इंडियन आर्मी के हमले को जज्बे ईमानी से पसपा कर दिया था।
ये दौर भी सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान का था। आपने रेडियो पाकिस्तान पर पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करते हुए अपनी पुरजोश तकरीर में कहा, पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। आपकी पुरजोश तकरीर सुनकर पाकिस्तानी कौम में ऐसा जज्बा बेदार हुआ कि पूरी कौम अपने मुल्क पर जान नछावर करने के लिए रोडों पर निकल आए। 1965 की जंग में सुप्रीम कमांडर सदर मोहम्मद अयूब खान वो वाहिद सपा सालार थे जो मुख्तलिफ महाजों पर खुद जाकर जायजा लेते रहे। पाकिस्तान के शेरदिल जवानों ने भारत का गुरूर खाक में मिलाकर उनके बड़े बड़े दावों को अपने पांव तले रोलते हुए इंडिया को न भूलने वाला सबक सिखाया और ये साबित कर दिया कि जंगें ताकत से नहीं जज्बे ईमानी से लड़ी जाती हैं। फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान की कमांड में लड़ी जाने वाली 1965 की जंग में मुनाबाव और बालेसार समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स पर 1300 मुरबा मील और कश्मीर से राजस्थान तक 1600 मुरबा मील दुश्मन के इलाके पर पाक फौज ने कब्जा किया था। इस जंग में दुश्मन की टैंकों के कई रेजिमेंट्स तबाह हो गई थी। बड़ी तादाद में दुश्मन के फौजी जवानों को कैदी बना दिया गया था। 1965 की जंग में रशिया ने भरपूर इंडिया का साथ दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह उसने वादा किया था। उस वक्त आपको ये पूरा पूरा एहसास हुआ कि अमेरिका काबिल भरोसा साथी नहीं। आपने उसी वक्त तुर्की का दौरा किया और तुर्की से कहा कि हम चाइना से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, आप भी बनाएं। इसके बाद आपने शाही ईरान से मुलाकात की और शाही ईरान से भी वही बात कही, लेकिन शाही ईरान ने फौरन अमरीकी एजेंसियों को सदर मोहम्मद अयूब खान के इरादों से आगाह किया। सदर मोहम्मद अयूब खान अपने दौरे से अभी अपने वतन पहुंचे ही न थे कि आपके खिलाफ CIA की मदद से मुखालिफ सियासी पार्टीज को पैसे दिए गए और आपके खिलाफ मुल्क भर में वसी मुहिम चल निकली। सियासी पार्टियों के बहकाने पर पाकिस्तानी अवाम ने सड़कों पर आकर आपके खिलाफ नाराबाजी शुरू की और आपको ऐसे अलकाब से पुकारा जिसे सुनते ही आप अपने पाकिस्तानी कौम से बहुत ज्यादा मायूस हो गए और फौरन सदारत की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। बाद में अवाम को एहसास तो हो गया था लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। इख्तदार को खैरबाद कहने के बाद आप अपने जाती घर मुंतकिल हो गए थे। आपने हरिपुर के मुजाफात में वाकई नवाही गांव रेहाना में अपना जाती घर तामीर कराया था। आपकी ईमानदारी और फर्शनासी का एक मुंह बोलता सबूत ये भी था कि उस जमाने में आपके घर में न पानी का कनेक्शन था और ना ही टेलीफोन की सहूलत। घर के लिए पानी गद्दों पर लाद कर लाया जाता था। आप कभी भी अपने दौरी हुकूमत में हेलीकॉप्टर के जरिए आबाई गांव रिहाना नहीं गए थे। 19 अप्रैल 1974 को फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान इस दुनिया फानी से कूच कर गए। जब आपका इंतकाल हुआ तो 10 जनरल 2 हेलीकॉप्टर पर रिहाना गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने जिंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर देखा था। आपकी दौरे हुकूमत के बाद वतनी अजीज पाकिस्तान जिन जिन के हाथ में आया, हर कोई अपनी मफादात हासिल करता रहा और मुल्क को कर्जों के दलदल में धकेलता रहा। वो मुल्क जो दूसरे ममालिक को कर्ज देता था अब भिखारी बनकर दूसरे ममालिक के खैरात पर चल रहा है। अगर बहैसियत सदर फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान की ज़िंदगी, उनकी मुल्क के लिए खिदमात और मौजूदा हुक्मरानों की खिदमात को इंसाफ के तराजू में रखे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फील्ड मार्शल जनरल सदर मोहम्मद अयूब खान ने अपने वतनी अजीज पाकिस्तान से हुब्बुल-वतनी का जो सबूत पेश किया है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए।